नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने YouTube चैनल गौरव सिंह क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एडवांस मैथ का एक अच्छा सा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, लोगों को एडवांस में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम का हल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। अब से आपको कोई भी एडवांस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना भी मैं आपको एडवांस में पढ़ाऊँगा, उसमें मैं प्रत्येक चीज़ को प्रूफ करके पढ़ाऊँगा, कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे बनी है चीज़ें। और यह बैच प्री टू मेंस लेवल रहेगा, बहुत अच्छे लेवल तक रहेगा। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी चीज़ें समझ में आएंगी। और यह अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा हो कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो उसको भी चीज़ें फंस जाएगा, आगे जाके सोचेगा कि यहाँ से हम कैसे जाएं। ठीक है, तो पहली बात तो आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का गणित में यूज क्यों होगा? कई लोग सोचते हैं कि हमारा त्रिकोणमिति को ऐसे ही समझाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते हैं, त्रिकोणमिति का कहीं पे यूज नहीं है। सबसे ज़्यादा इसी को लेते हैं लोग कि त्रिकोणमिति का आज तक हमने ज़िंदगी में यूज नहीं लिया। तो देखिए, जो हमारे मकान वगैरह डिजाइन होते हैं, मकानों में झीने पिलर वगैरह लगते हैं, या कोई पुल वगैरह बनता है, डैम बनता है, तो वह सारा की सारी चीज़ें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित हैं। देखो, हम स्क्वायर, क्यूब, ये चीज़ें तो निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने क्या है, मेंसुरेशन पढ़ा होता है, ज्योमेट्री पढ़ी होती है। लेकिन जब चीज़ें ऊंची नीची होने लगती हैं, जब चीज़ें ऊंची नीची होने लगती हैं, किसी चीज़ को हमें देखना है, कितने एंगल पर देखना है, कोई झुकाव कितना होना चाहिए, इसके लिए हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री आई है। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो त्रिकोणमिति एक हमारा राइट एंगल पर बेस्ड है, पूरे की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वह हमारी कई पर आधारित है। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री हमारी आधारित है समबाहु त्रिभुज, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। मैंने कहा यह समकोण त्रिभुज है ए वी सी। ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है कोई ए बी सी, और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। मैं आपको एक एक चीज लेकर चलूंगा। पहली दो क्लासों में मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, या आज की क्लास में बेसिक पढ़ाने के बाद मैं कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। इसमें 8 पॉइंट होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जो चीज़ें हमें कवर करनी है। और इसके बाद मैं आपसे गारंटी देता हूँ आपको दोबारा कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक बार और आखिरी बार मूल मंत्रा एक बार और आखिरी बार पढ़ो, इसके बाद चीज़ें आपको कभी पढ़ना नहीं होंगी। तो ए बी और सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल है, यानी एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है, यहाँ से ब्लैक कलर लिया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ से देखता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देखता है एंगल को, यहाँ से देखता है कि थीटा एंगल यहाँ पे है, एंगल कहाँ से बनाता है, तो एंगल यहाँ से बनाता है, यहाँ से थीटा एंगल बनाता है। तो जो थीटा के सामने वाली दिशा होती है, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, उसे हम कहते हैं लंब। इस साइड को हम कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। जहां से हम चीजों को देख रहे हैं उसको हम कहते हैं आधार, जहां पे हमारी आंख है उसको, या हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होगी, उसे कहेंगे हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। ठीक है, इसे हम हाइपोटेनस कहेंगे, कर्ण कहेंगे। देखो, बेस आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब हमारे बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमारा कभी नहीं बदलेगा। जिस महाभारत वाला कर्ण है, यह उसी को नाम को लेकर रखा गया है, जो मजाक में बातें हैं। ठीक है, महाभारत वाला कर्ण मान लो, जो कभी नहीं चेंज होता, यह यहीं पे रहेगा। अगर मैं यहाँ से चीज़ों को देख रहा हूँ तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह बेस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो यह
क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, बेस। देखो इसे हम ना नीला बना रहे हैं, नीले नीले आंखों वाले, ठीक है, नीला बना रहे हैं इसे हम, इसे हम कैसा बना रहे हैं, नीला, ठीक है। तो मैंने कहा यह चीज हमें दे दी गई है, लंब, हाइपोटेनस, लंब, आधार और कर्ण, तीन चीजें दी हैं, ठीक है। हम लंब को क्या नाम देते हैं, तो परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करेंगे, बेस को हम बी से डिनोट करेंगे, और कर्ण को हम हमेशा एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम हमेशा कैसे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे। तो देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल, जब यह ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार हुआ, जब यह ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई होगी, तब हमने क्या है इसको नाम दिए, क्योंकि हमें ना हर चीज़ कहाँ से आई है, नहीं कुछ ना कुछ नाम देना होता है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें भी नाम मिला, फिर आगे की चीज़ें तो हमने प्रूव की हर चीज़ें, कैसे जन्म हुआ भाई, तो उसके बाद नाम रखा किसी ने, उसके बाद कैसे बड़े हुए, पढ़ाई में क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कहा फिर इसमें पांच चीज़ें आ जाती हैं, पांच नहीं छः। पहली चीज़ आता जाती है साइन, जिसे हम साइन थीटा कह देंगे, ठीक है। फिर आ जाती है कॉस थीटा, यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा। फिर बात आ जाती है कॉस थीटा की, और फिर बात आ जाती है कई की टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। फिर बात आती है कोशेक थीटा की, कोशेक थीटा की। फिर बात आती है शेक थीटा की, और फिर बात आ जाती है हमारी कॉट थीटा की। ये हमें नाम दिए गए हैं साइन थीटा, यानी छह नामकरण कर दिए गए, छह चीज़ों के क्या है, नामकरण कर दिए गए, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोशेक थीटा, शेक थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। फिर देखो इसमें ना हमें एक प्रॉपर्टी देती, साइन के बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी लंब अपॉन, लंब को भी हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। एल का मतलब क्या है, लंब है, लंब अपॉन कर्ण का मतलब कि, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक बना दी गई थी, उसे यूज कर लेंगे, अच्छी बात होगी। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, लाल एल ए एल अपॉन कक्का, इसका मतलब होगा साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और टेन थीटा होगा वह हमारा बराबर होगा, टेन थीटा बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम बात करते हैं कोशेक थीटा, तो कोशेक थीटा ना इसका उल्टा होता है साइन थीटा का, कोशेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यह हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। सेक थीटा, तो सेक थीटा हमेशा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा इसका उल्टा होता है, तो यह बेस अपॉन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। कैसे होता है उल्टा भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अपने आप में रेसिप्रोकल होती हैं, उल्टी होती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो अगर हम बात करते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा हमेशा बराबर होगा वन अपॉन कोशेक थीटा के, साइन थीटा हमेशा बराबर होगा वन अपॉन कोशेक थीटा के। अगर हम बात करते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हमेशा बराबर होगा वन अपॉन सेक थीटा के। और फिर हम आगे बात करते हैं कि टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा की दो आ जाती है बात, टेन थीटा एक बार वन अपॉन कॉस थीटा के भी हो जाएगा, वन अपॉन कॉस थीटा के भी हो जाएगा, और टेन थीटा ही बराबर हमारा कह के हो जाएगा, या फिर यह बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, या फिर यह बराबर हो जाएगा कह के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है। यदि हम कोशेक थीटा की बात करते हैं, तो कोशेक थीटा बराबर होगा वन अपॉन साइन थीटा के, कोशेक थीटा बराबर कह के होगा वन अपॉन साइन थीटा के, और सेक थीटा
sec थीटा हमेशा बराबर होगा 1 अपॉन cos थीटा के। sec थीटा हमारा बराबर कैके होगा, तो sec थीटा बराबर होगा 1 अपॉन cos थीटा के, और cot थीटा हमारा होगा वह बराबर होगा 1 अपॉन tan थीटा, या फिर इसका उल्टा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर इसका अपोजिट होगा वह क्या होगा अपोजिट cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और इसमें समझ में आने वाली बात कोई भी है नहीं है। इसमें क्या है, समझने में आने वाली बात है नहीं है। हमको ये चीज़ें तो याद होना चाहिए, इतने बड़े हो गए तो अपने आप याद होना चाहिए, और आगे की चीज़ें होंगी वह चीज़ें सारी की सारी मैं एक एक से क्या करूँगा, प्रूव करूँगा। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा, और कॉस थीटा कैके होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब आगे की चीज़ें। मैंने क्या कहा था, त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, वह बेस्ड है कहीं पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। त्रिकोणमिति बेस्ड है राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैंने कहा यह ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे सी मान लो, और इसे थीटा मान लो। ठीक है, इसे क्या मान लो, थीटा। मैंने कहा यह थीटा हो गया, यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यह बेस होगा, और यह आपको एक चीज बचपन से ही याद होगी, उस चीज का नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, बस मुझे इस बात का ज्ञान बता दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ या ना, हाइपोटेनिस हमेशा बराबर कैके होता है, तो हाइपोटेनिस बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। हाँ या ना, मैंने कहा यदि मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो सॉरी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो बेस को इस साइड लाएंगे, हाइपोटेनस माइनस बेस के स्क्वायर के, और यदि मुझे बेस का स्क्वायर याद ज्ञात करना है तो यह होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये चीज़ें होती हैं किस में, पाइथागोरस प्रमेय में होती हैं। यह चीज़ें कै में होती हैं, पाइथागोरस प्रमेय में होती हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बराबर होगा हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरी पहली प्रमेय आ जाती है, और उसका नाम है क्या, यदि मैं हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस मुझे पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर कैके होता है, तो आपने कहा यह बराबर होता है साहब हाइपोटेनस स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर कैके होता है हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने इस पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो मैंने कहा यह एच स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने कहा यह कट जाएगा, एक आ जाएगा, यह आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर होगा कई के, एक के। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, यह चीज में हमने अभी सीखी थी थोड़ी देर पहले। परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है बता देना मुझे एक बार, साइन थीटा होता है या नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और स्क्वायर लगा है तो यह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है। देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा।
और इस पे स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होगा, वन। अब तक आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा हमेशा एक के बराबर होता है। क्यों होता है, यह चीज मैंने बता दी कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा बराबर एक के क्यों होता है। ठीक है, इससे फिर तीन चीजें बनी हैं कि कॉस स्क्वायर ज्ञात करना है मुझे अकेला, तो कॉस स्क्वायर टीटा बराबर होगा वन अपॉन साइन स्क्वायर टीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, देखो यदि अब मैं क्या करूँ, यदि अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं पूरे के पूरे इस इक्वेशन को यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर एच स्क्वायर है, पूरे के पूरे को पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मैंने कहा यहाँ मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी पी स्क्वायर से, तो इससे यह क्या हो गया, कट गया, कैंसल हो गया, इससे यह कैंसल हो गया, तो यह वन प्लस पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बता देना मुझे, कॉट होता है, और ये स्क्वायर लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉसेक होता है, अभी मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं यदि उस साइड ले जाऊंगा, कॉट को उस साइड ले जाऊंगा, तो यह चीज आपको याद होनी चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर कैके होगा, एक के होगा, कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस कॉट स्क्वायर टीटा कई के बराबर होता है, एक के होता है। हाँ या ना, और यदि मुझे कॉट स्क्वायर टीटा ज्ञात करना है तो कॉट स्क्वायर टीटा होगा कोसेक स्क्वायर टीटा माइनस वन के बराबर। हाँ या ना, तीन प्रॉपर्टी इससे निकली। फिर हम क्या करते हैं, आगे हम क्या करते हैं, तो आगे हम इस इक्वेशन को यानी एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच हाँ सॉरी इक्वल इज इक्वल टू एच स्क्वायर को हम डिवाइड कर देते हैं। देखो एक बार पी से कर दिया, एच से कर दिया, अब की बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यदि बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपने कहा यह कैंसल हो गया, यह क्या हो गया, कैंसल, यह कैंसल हो गया, तो बचा क्या है, यह कैंसिल हो गया, तो मैंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस वन बराबर एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा होता है, और स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कई के होगा, बन के होगा, और यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो वह होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बन के। तीन प्रॉपर्टी इस चीज पर आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, मैंने आपको तीन चीजें बताई। देखो आज के क्वेश्चन में मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया पहली चीज बताई मैंने क्या, तो पहली चीज मैंने बताई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा बराबर होता है बन के, और क्यों होता है यह चीज ने बता दी। यदि मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यह वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और यदि मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यह वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। हाँ या ना, यह चीज मैंने आपको बता दी। अगला पॉइंट की बात करते हैं, तो अगला पॉइंट है, मैंने कहा था अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बन के होता है। यदि मुझे केवल कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट है, बहुत याद रखना है, यदि मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो यह वन माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यदि मुझे कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो यह होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर। ठीक है, अगली बात करते हैं। तो अगली बात है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यह बराबर बन के होगा, हाँ या ना। और मैंने कहा टेन थीटा, केवल सेक थीटा, अगर मुझे केवल सेक थीटा ज्ञात करना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और यदि मुझे टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो वह बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के। आज के क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देखी और मैंने प्रूव करके बताई हैं कि चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, किसी भी चीज़ को रटाने की कोशिश नहीं की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ों पर काम करके अगली क्लास में आगे की ओर बढ़ाएंगे इन्हीं चीज़ों को। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।